ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को लेकर 674 कोल्ड चेन तैयार, पहले चरण में 5 लाख स्वास्थ्यकर्मियों का होगा टीकाकरण। राज्य सरकार ने शादी समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी, नए प्रावधान 31 दिसंबर तक रहेंगे प्रभावी। और मौसम विभाग ने कहा पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के प्रभाव से बुधवार से प्रदेश भर में बढ़ेगी ठंड, सुबह और शाम के समय छाया रहेगा घना कोहरा। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ, कोविड 19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून में आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार किए गए हैं। हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। श्री तोमर ने आशा व्यक्त की है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी है, बजट बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धि की ओर बढ़ सकें, इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। राज्य सरकार ने कृषि उत्पादों की मार्केटिंग और अनुबंध आधारित खेती की निगरानी के लिए बिहार कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन प्रणाली संभाग का गठन किया है। यह संभाग अभी कृषि विभाग के कोषांग के रूप में काम करेगा। बाजार समितियों को भंग करने के बाद बिना शुल्क बाजारों के संचालन के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। यह संभाग राज्य में कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के साथ साथ निजी बाजारों को विकसित करेगा। रबी फसल के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए आज से प्रदेश भर में किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। 21 दिसंबर तक राज्य के सभी पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन होगा। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह आज इसकी शुरुआत पटना के पीटा प्रखंड अंतर्गत विशुनपुरा पंचायत से करेंगे। इस चौपाल के माध्यम से पंचायत के चयनित गांव में 100 से अधिक किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाएगा, साथ ही उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को लेकर 674 कोल्ड चेन तैयार हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि इन शीतगृह में एक समय में 1,37,00,000 टीकों को रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड टीका को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ताकि नियमित टीकाकरण पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़े।
श्री कुमार ने बताया कि लगभग 3,52,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण के काम में लगाया जायेगा। साथ ही 4,000 निजी संस्थानों के कर्मियों की भी पहचान की जा चुकी है जिनकी सेवाएं ली जायेंगी। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के पहले चरण में लगभग 5,00,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देने का लक्ष्य है। वहीं दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं, पुलिसकर्मी, आशा कार्यकर्ता और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों का टीकाकरण होगा। प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,32,438 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.2% है। वहीं इस वैश्विक महामारी से 1,295 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों से 566 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 572 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई। प्रदेश में भी प्रतिदिन 1,25,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। अब तक 1,54,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। थोड़ा सा दूरी मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है। दूसरा, मास्क पहन के रखना बीमार व्यक्ति को भी और दूसरे लोगों को भी। तीसरा, खुले हवा का प्रसार होना बिल्कुल आवश्यक है। हाथ बार बार साबुन से साफ करना आवश्यक है। और आखिरी चीज है, पौष्टिक आहार खाइए, बीमार व्यक्ति को भी खिलाइए और आप भी खाइए। ताजा फल, सब्जी और बादाम वगैरह, उनसे भी काफी आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। राज्य सरकार ने शादी समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी है। पहले यह सीमा 150 लोगों की थी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर को जारी दिशा निर्देश राज्य में 3 दिसंबर से प्रभावी माने जाएंगे। इन दिशा निर्देशों में 200 लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। श्री सुबहानी ने बताया कि ये निर्देश 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। गौरतलब है कि केंद्र के गाइडलाइन के आलोक में राज्य सरकार ने पहले 100 और बाद में 150 लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दी थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने बुधवार से प्रदेश भर में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि पर्वतीय इलाकों में हो रही बर्फबारी का प्रभाव राज्य में भी देखने को मिलेगा। ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी के साथ साथ सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा। अभी 48 घंटों तक न्यूनतम पारा सामान्य के आसपास या उससे ऊपर बना रहेगा। इधर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य भर में बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही धुंध और कोहरा होने से दृश्यता में काफी कमी आई है। दृश्यता में कमी होने से पटना हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कल लगभग 1.5 दर्जन विमानों की उड़ान प्रभावित हुई। प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी नामित किया है। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से उनके जिले में कितने चरणों में चुनाव हो इस संबंध में प्रस्ताव मांगा गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा। पटना में संघ की उत्तर पूर्व क्षेत्र के कार्यकारी मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण, पौधारोपण और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने जैसे मुद्दों पर भी जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया गया। बैठक में सर संघ चालक मोहन भागवत, भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी और मनमोहन वैद्य समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राज्यसभा की एक रिक्त सीट के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निर्वाचन की आज औपचारिक घोषणा होगी। इस सीट के लिए आज नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि है। गौरतलब है कि श्री मोदी इस सीट से एकमात्र उम्मीदवार हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन पत्र भरा था लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया था। महागठबंधन ने इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार नहीं दिया था।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी। पत्रकारों से बातचीत में श्री कुशवाहा ने कहा कि इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का जदयू में विलय का कोई सवाल ही नहीं उठता है। देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए शहीदों और सैनिकों के सम्मान में आज सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन जुटाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर सेना के जवानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव इफको की ओर से दिया जाने वाला श्री लाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान इस वर्ष जाने माने कथाकार रणेंद्र को दिया जाएगा। रणेंद्र को अपने लेखन में आदिवासी जीवन के जीवंत चित्रण के लिए चुना गया है। वे नालंदा के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के नासिक में बिहार के 5 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 3 मुजफ्फरपुर और 2 वैशाली जिले के रहने वाले हैं। गैस सिलेंडर में आग लगने के कारण ये घटना हुई। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पिछले 10 सालों से बिहार पुलिस में नौकरी कर रहे एक पूर्व सिपाही को सारण जिले के दिघवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आमी गांव से गिरफ्तार किया गया है। मधेपुरा जिले के मढ़ाही में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पटना जिले के कुख्यात और इनामी अपराधी रवि गोप को पुलिस ने अथमलगोला से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी की पुलिस को हत्या और अपहरण के कई मामलों में तलाश थी। पटना जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, नए कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद के लिए लामबंदी, सरकार अडिग। दैनिक जागरण ने लिखा है, अप्रैल मई में हो सकती है सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, बिहार के धान से आंध्र प्रदेश में बन रहा चावल विदेशों में निर्यात। प्रभात खबर की सुर्खी है, 9 चरणों में हो सकता है पंचायत चुनाव, मार्च से मई के बीच होगा मतदान। राष्ट्रीय सहारा ने श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार के हवाले से लिखा है, 19 लाख रोजगार देने का बन रहा रोड मैप। दैनिक आज की सुर्खी है, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को लेकर 674 कोल्ड चेन तैयार, पहले चरण में 5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का होगा टीकाकरण। राज्य सरकार ने शादी समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी, नए प्रावधान 31 दिसंबर तक रहेंगे प्रभावी। और मौसम विभाग ने कहा, पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के प्रभाव से बुधवार से प्रदेश भर में बढ़ेगी ठंड, सुबह और शाम के समय छाया रहेगा घना कोहरा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।